We will start from question number 6 of exercise 4.3. If the work done by a body on application of constant force is directly proportional to distance traveled by the body, कि जो work done है body का application of a constant, एक constant force के ऊपर, वो directly वो proportional है distance traveled by the body की, उस body द्वारा जितना भी distance travel किया गया है उसके proportional है. एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इस सिचुएशन से हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है विच इज इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट. और उस सिचुएशन का मतलब जो हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी उससे हमें ग्राफ बनाना है और जो कांस्टेंट फोर्स की बात की गई है वो कांस्टेंट फोर्स हमें कितना लेना है 5 यूनिट्स. ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ. यहाँ तक पहले सबसे पहले हमारे काम करना है कि हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है टू वेरिएबल्स में, उसके बाद उस लीनियर इक्वेशन से एक ग्राफ बनाना है. अब ग्राफ बनने के बाद उस ग्राफ की हेल्प से आपको इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. क्या पूछा गया इसमें कि फाइंड फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ की हेल्प से हमें वर्क डन की वैल्यू बतानी है जब जिस केस में आपको जो डिस्टेंस बॉडी के द्वारा ट्रैवल किया गया वो गिवन है. मतलब अगर डिस्टेंस 2 यूनिट का है तो उस केस में वर्क डन कितना होगा, और डिस्टेंस अगर 0 यूनिट है तो उस केस में वर्क डन कितना होगा. तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि डिस्टेंस कितना है एक्स यूनिट का और वर्क डन कितना ले लिया 5 यूनिट, और कांस्टेंट फोर्स कितना गिवन है हमें 5 यूनिट्स. और वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस. और ऑलरेडी हमें बोला भी हुआ है जैसे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में जो वर्क डन है वो प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, मान लो आपको बोला जाता है कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल. x प्रोपोर्शनल है y, मतलब x जो है इक्वल होगा कि किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई y के साथ. ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनल आ जाए, प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वालिटी में चेंज हो जाएगा कि वो वैल्यू उसके कोई कांस्टेंट, जैसे कि 4 2 के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाए तो वो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल. तो जब प्रोपोर्शनल गिवन है तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगा के उस वैल्यू की किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई. तो ऐसे वर्क डन जो हमें दिया हुआ है कि वो क्या बोला हुआ है कि प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ऑन अ कांस्टेंट फोर्स. तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, फोर्स. तो कांस्टेंट की मल्टीप्लाई की किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के. तो वहाँ से वर्क डन क्या आ गया, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस. वर्क डन हमने कितना लेट किया है, वाई. तो y इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट, मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है x, तो 5 into x. ये हमारी आ गई लीनियर इक्वेशन जो हमें सिचुएशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली. दोनों वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल्स में ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई. अब नेक्स्ट क्या कहा, इस लीनियर इक्वेशन से आपको एक ग्राफ फॉर्म करना है. अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले इसके क्या चाहिए, कम से कम कोई भी 2 सॉल्यूशंस. 2 सॉल्यूशंस निकालने के लिए कैसे निकाले थे हमने, x की वैल्यूज पुट कर लेंगे तो वहाँ से y की आ जाएगी, या फिर y की वैल्यू पुट करके x की. तो सबसे पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0. तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 0. तो y की वैल्यू आ गई 0. तो अब एक तो आ गया हमारा कोऑर्डिनेट 0 एंड 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0. अब सेकंड पुट कर लेते हैं x के प्लेस पर 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर 1, तो y इज इक्वल टू 5. तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5. टेबल भी आप बना सकते हैं साथ में इसकी, x और y, मतलब x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0. और x की वैल्यू अगर 1 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5. अब इसे हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है. सबसे पहले 2 एक्सिस बना ली हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, अब उसके बाद एक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1 तक है, तो हम 1 तक या 2 3 तक आप राइट कर सकते हो. उसके बाद वाई की है हाईएस्ट 5 तक, बट यहाँ मैंने 10 तक लिया है. उसका भी रीज़न है आपके बाद, उसके बाद हमें क्वेश्चन और भी पूछे हुए हैं तो उसके बेसिस पर हमें वैल्यू की नीड होगी. ठीक है, वो बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि 10 तक पॉइंट्स क्यों लिए. आप कितने भी ले सकते हो, बाकी आपको बाद में ग्राफ बनाने के बाद क्लियर हो जाएगा कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स किस लिए लिए हुए हैं. अब सबसे पहले हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 0 0. ठीक है, अब 0 0 मतलब
एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो वो कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर का, जहाँ पे दोनों एक्सेस एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट पर एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो। तो ये आ गया जीरो जीरो। अब नेक्स्ट है, एक्स की वैल्यू तो वन है और वाई की वैल्यू कितनी है? फाइव। एक्स की वैल्यू वन पर वाई की वैल्यू फाइव, वाई का फाइव वाला पॉइंट यहाँ पे होगा और एक्स की वन इस साइड पे होगा, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू फाइव। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है? तो बस इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन आ गई वो कौन सी इक्वेशन की लाइन है? वाई इज इक्वल्स टू फाइव एक्स। अब इसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन पुटअप किए गए थे कि वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें? टू यूनिट्स। और ये हमें ग्राफ्स की हेल्प से बताना है, ठीक है? वर्क डन को हमने क्या लेट किया था? वाई, और डिस्टेंस को एक्स, ठीक है? तो मतलब डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, डेट मीन्स एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें टू, तो वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और सेकंड में अगर वर्क डन की निकालनी है, अगर डिस्टेंस कितना है? जीरो, मतलब अगर एक्स जीरो है तो वाई कितना होगा। अब ये दोनों हमें निकालने हैं, एक्स की जीरो पर वाई क्या होगा और एक्स की वैल्यू टू पर वाई की वैल्यू क्या होगी। अब जीरो वाला तो ऑलरेडी हमने पॉइंट लिया भी था, तो देखो क्या आ रहा है, अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो उस केस में वाई की भी क्या हो रही है? जीरो। तो फ्रॉम ग्राफ, अगर एफ की एक्स की वैल्यू सॉरी अगर जीरो है देन वाई ऑल्सो जीरो। एक तो क्लियर हो गया बिकॉज हमने ये पॉइंट ही यही प्लॉट कर लिया था। अब नेक्स्ट बताना है अगर एक्स की वैल्यू टू है। अब सबसे पहले देखो एक्स की वैल्यू यहाँ टू है, अब जहाँ एक्स की वैल्यू टू है, अब इस केस में बताना है कि वाई की वैल्यू क्या होगी। तो वो तो हमें पता लगेगा ना कि इस लाइन पर एक्स की वैल्यू टू वाई को कहाँ मीट करेगी। तो सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू टू है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि इस लाइन को कट करेगी जहाँ पर भी, ठीक है? बस एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रॉ करोगे। अब उसके बाद यहाँ से देखनी है हमें कि इस लाइन पर इसके सामने y की वैल्यू क्या है। इसके जस्ट सामने y की वैल्यू क्या है हमारी? 10। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो उस केस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो उस पर ईजिली आपको वैल्यू दिख जाएगी 2 की वैल्यू पर। सीधा हमने जाना है जहाँ पे लाइन तक, ठीक है? जब भी आपको ग्राफ से कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, हमें क्या वैल्यू गिवन है? एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू टू है तो वो सीधा उससे एक लाइन ड्रॉ करनी है जब तक वो लाइन पे कट नहीं करती। जैसी लाइन पे कट करेगी उसके जस्ट सामने जो वाई की वैल्यू होगी, अब वो देखेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है? 10। तो एक्स की वैल्यू टू पर वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो इसमें आंसर क्या होगा? फ्रॉम द ग्राफ इफ एक्स की वैल्यू टू है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट्स, ठीक है? अगर मान लो ऐसे ही आपको y की वैल्यू दी होती तो y की वैल्यू जैसे आपको मान लो 6 पे निकालनी है, तो यहाँ से एक लाइन प्लॉट करते लाइन तक पहले, जैसे ये लाइन लाइन पे कट हो गई उसके बाद उसको x की साइड लेके जाएंगे और x पे उसका जो भी पॉइंट होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है? बस जो भी पॉइंट गिवन होगा वहां से आपको लाइन तक जाना है, जैसे ही लाइन पे कट हो गए उसके बाद अपनी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वाई की वैल्यू दी हुई तो एक्स के पास जाएंगे, एक्स की वैल्यू दी हुई है तो उसके बाद वाई के पास जाएंगे। बस इसी रीजन से 10 तक मैंने पॉइंट्स लिए थे बिकॉज हमें आगे क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना था एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की कितनी होगी। इन केस आप ओनली पहले 5 तक पॉइंट लेते हो, उसके बाद जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आप तब भी पॉइंट्स को एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। मतलब 9th एक स्कूल के 9th क्लास के दो स्टूडेंट्स हैं यामिनी और फातिमा, उन दोनों ने मिलकर टोटल ₹100 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया PM रिलीफ फंड में, किसके लिए? अर्थक्वेक के विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है? राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। अब इस जो हमें जो डाटा गिवन हुआ है, मतलब जो भी ये हमारे पास सिचुएशन गिवन है उसकी हेल्प से हमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है इन टू वेरिएबल्स में, ठीक है?
यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई, मतलब उन दोनों के कंट्रीब्यूशन को एक को एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं हम, दूसरे को वाई। उसके बाद इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आपने उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लिया कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन कितना है रुपीज एक्स, और फातिमा का लेट कर लिया वाई। अब जो टोटल कंट्रीब्यूशन है मतलब दोनों ने मिलकर किया था वो कितना था 100। अब यामिनी और फातिमा ने अलग अलग किया एक्स वाई, और जो दोनों ने मिलकर किया 100, दोनों ने मिलकर मतलब जो दोनों का टोटल मतलब एक्स प्लस वाई वो कितना हो गया 100। तो ये आ गई हमारी लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई टू वेरिएबल में, एक्स प्लस वाई स्क्वायर टू 100 कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, जो टोटल वो किसके इक्वल है 100। दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका हमने बनाना है ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही सेम, हमें पॉइंट इसके दो कम से कम दो पॉइंट लेने होंगे। अब देखो अगर इसमें हम ये लेते हैं एक्स की वैल्यू 1, वाई की 99 आ जाएगी, 2 इसकी 99, मतलब एक इसकी बहुत स्मॉल लोगे तो उसकी बहुत बिग होगी, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ी बिग वैल्यूज लेना, जैसे 10 ले सकते हो एक्स के प्लेस पर, 40, 50 इस टाइप से। अदरवाइज उससे बेटर ऑप्शन है कि लेट कर लिया हमने एक्स की वैल्यू एक बार 0 पुट कर दी, तो वहाँ से 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो अब एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 100, ऐसे ही पुट कर दें कि वाई की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 100, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर एक्स की 0 है तो वाई की 100, वाई की 0 है तो एक्स की 100। आगे दो सिचुएशंस क्या होगी, दोनों पॉइंट्स एक्स वाई में एक्स की 0 पे वाई की 100 और वाई की 0 पे एक्स की 100। अगर आपने 0 पॉइंट नहीं लेने, आप ऐसा ले सकते हो एक्स या वाई किसी की वैल्यू को 10, 20, 30, 40 इस टाइप से आप उसे लेट कर सकते हो, ताकि हमें ज़्यादा पॉइंट्स प्लॉट ना करना पड़े। अगर आप देखो 1 लोगे उसके बाद 98, 99, तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें प्लॉट करने पड़ेंगे। बट अब अगर आप 10, 20 स्टेप्स लेते हो तो आप ग्राफ में भी ऐसे ही प्लॉट कर सकते हो, जैसे कि 10, 20, 30, 40 इस टाइप की वैल्यूज भी आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो, जो आप वैल्यूज लोगे उसके अकॉर्डिंगली। अब हमने लिए यहाँ पे 0 पे 100, तो इसलिए मैंने 50-50 का गैप ले लिया। आप 100-100 का गैप भी ले सकते हो, 10-10 का गैप भी, बट ध्यान रखना है कि जो गैप है इनके बीच का वो इक्वल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले ले लिया 50, फिर 100, फिर 200, उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो भी आप वैल्यूज लोगे गैप सेम होना चाहिए, ठीक है। जब इस टाइप की बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए राइट साइड पे, तो हम एक्स वाई की वैल्यू भी थोड़ी बिग बिग ले लेंगे। अब ग्राफ बना लिया, अब सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, तो पॉइंट्स मैंने कितने कितने का गैप ले लिया 50-50 का। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू 100। अब एक्स तो 0 है तो एक्स को नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे वाई की वैल्यू 100। अब वाई की 100 कहाँ है, ये पॉइंट है हमारा वाई की वैल्यू 100, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0, आ गया एक पॉइंट। नेक्स्ट के केस में है वाई 0 है, वाई को छोड़ दो, एक्स की वैल्यू 100, एक्स 100 कहाँ पे है, यहाँ है एक्स 100, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 100 है और वाई की वैल्यू 0। बस अब इनसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इनकी ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो अब इस लाइन, कौन सी लाइन की इक्वेशन है ये, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पे ऊपर राइट कर देंगे लाइन को, ठीक है। बस हमने पहले एक्स और वाई उनकी कंट्रीब्यूशन ऐड कर लिया, टोटल 100 था, तो वैसे लीनियर इक्वेशन तो क्या आ गई हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो अब दो सोल्यूशन निकालने हैं, आप कुछ भी वैल्यूज देके पुट कर लोगे। मैंने 0-0 ले लिया, एक बार एक्स को 0, वैसे वाई की वैल्यू आ गई, नेक्स्ट टाइम वाई को 0 ले लिया तो एक्स की वैल्यू आ गई, बस फिर उसे ग्राफ में प्लॉट कर दिया। नाउ लास्ट 8th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। अब हमें पता है जो टेम्परेचर को चेक करने की, मेजर करने की यूनिट्स होते हैं वो क्या होती है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो ये बोल रहे हैं कि जो कंट्री USA और कनाडा में है वहाँ पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और इंडिया में सेल्सियस में। अब हेयर इज द लीनियर इक्वेशन डेट कन्वर्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस,
कि लीनियर इक्वेशन हमें ये दी हुई है टू वेरिएबल्स में, ठीक है। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है वो फेरनहाइट और सेल्सियस में दी हुई है, जो कि फेरनहाइट का फॉर्मूला भी होता है सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। क्या दिया हुआ है, एफ इज्कल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो अब इसमें ऑलरेडी हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो इसमें आपको लीनियर इक्वेशन तो फॉर्म करनी नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव। जो ये हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसकी हेल्प से हमें एक ग्राफ बनाना है यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, मतलब जो सेल्सियस है जो सी है वो आपको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है, ठीक है, एंड फेरनहाइट फॉर वाई एक्सिस, और जो फेरनहाइट है उसको वाई एक्सिस हमने ट्रीट करना है, ठीक है। तो सेल्सियस की जो वैल्यूज होंगी वो एक्स एक्सिस पर प्लॉट होंगी और फेरनहाइट की जो वैल्यूज होंगी वो वाई एक्सिस पर प्लॉट होंगी। तो उससे हमें क्या बनाना है, सबसे पहले ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट टू सॉल्यूशंस और बाकी सब उसके बाद आपने ये सभी वैल्यूज बतानी है ग्राफ की हेल्प से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को रीड करके उनके आंसर्स देंगे। अब हमारे पास ये दी हुई है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू 9/5 सी प्लस 32। अब सेम इसमें सबसे पहले पुट करते हैं सी की वैल्यू 0, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5 सी की वैल्यू 0 प्लस 32। अब 0 की मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से होगी तो ये पूरा क्या हो गया 0, तो यहाँ से एफ कितना आ गया हमारे पास 32। तो अगर सी की वैल्यू 0 है तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो जो सी था हमारा वो एक्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा और एफ किस पे होगा वाई एक्सिस, और कोऑर्डिनेट हमेशा किस फॉर्म में होते हैं एक्स वाई, तो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे यहाँ पे सी और एफ, मतलब 0 और 32 पहला पॉइंट आ गया। अब सेकंड लेने के लिए हम देखो पुट सी की वैल्यू, अगर हम सी की वैल्यू 1 में पुट करते हैं तो जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो पॉइंट्स में आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम सी की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, और उससे हमें पॉइंट्स में हमारी वैल्यू भी नहीं आएगी, ठीक है। या ऐसा यहाँ पे सी के प्लेस पर आप 5 का कोई भी मल्टीपल जैसे मतलब 10 15 20 कुछ भी ले सकते हो, जिससे 5 हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाए। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट पहले क्या ले लेते हैं सी की वैल्यू 5, तो अब एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/5 इंटू सी की वैल्यू 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 32 41, तो सेकंड पॉइंट कितना आ गया 5 और 41। तो यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं, सी की वैल्यू 0 तो एफ 32 और सी की वैल्यू 5 तो एफ 41। अब सबसे पहले ग्राफ के लिए एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब सेल्सियस एंड वाई एक्सिस मीन्स फेरनहाइट। अब सी की वैल्यू 0 पे एफ की वैल्यू 32, सी मतलब एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 32। और एक चीज़ और, इसमें देखो वैल्यूज बिग बिग है इसलिए मैंने गैप कैसे ले लिया 10-10 का, 10 20 30 40 50 100 तक, ऐसे एक्स की 50 तक, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 0 पे एफ की 32, एक्स की तो 0 है तो 0 नहीं देखना, एफ की वैल्यू 32। अब एफ की वैल्यू 32, अब 32 एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास नहीं है। अब आप जब ग्राफ में प्लॉट करोगे, अब हमारे पास वहाँ पे उसमें एक इस टाइप के स्क्वेयर बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 10-10 लाइंस होती हैं, इस टाइप से 10 लाइंस होंगी हमारी उस बॉक्सेस के अंदर जब आप ग्राफ में प्लॉट करते हो। तो 30 और 40 के बीच में जो फर्स्ट वाली लाइन होगी, ऐसी 30 और 40 एक बॉक्स के अंदर बनेगा आपका। अब इसके अंदर टोटल आपके पास 10 लाइंस होंगी, जो 30 के बाद फर्स्ट लाइन होगी वो 31, सेकंड जस्ट सेकंड वाली लाइन वो क्या हो जाएगी 32। तो 32 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10-10 का ही गैप है और लाइंस भी कितनी है 10, तो जो हर एक लाइन है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब 32 आ गया ये पॉइंट, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 32। अब नेक्स्ट है 5 पर 41, अब 5 का होगा 0 और 10 के बिल्कुल मिड में, तो ये दोनों तो डार्क लाइन होगी आपकी बॉक्स में, और जो उसके बिल्कुल मिड में एक थोड़ी सी लाइट बट थोड़ी सी डार्क लाइन होगी, उसका मिड भी बोल सकते हो, या 0 और 10 वाला जो बॉक्स होगा उसमें जो फिफ्थ नंबर वाली लाइन होगी वो आ गया 5 पॉइंट। और इस पर 41 मतलब 40 और 50 के बीच में 40 के बाद जस्ट वन लाइन, नेक्स्ट टू वन लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो 5 पर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा,
तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 41, ठीक है। अब इनको प्लॉट कर देते हैं, पर प्लॉट हो गए, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं दोनों पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका था ग्राफ प्लॉट करना, अब सेकंड पार्ट में क्या है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज द फैनाइट टेम्परेचर, मतलब सेल्सियस में अगर 30, एक्स की वैल्यू 30 है तो आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ग्राफ में एक्स की वैल्यू 30, एक्स की वैल्यू 30 यहाँ है, मतलब सेल्सियस जो 30 है वो इस पॉइंट पर है। तो 30 में चेक करना है कि एफ की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले सेम 30 से एक लाइन प्लॉट करनी है जब तक वो किसको मीट करेगी, लाइन को। उसके बाद चेक करना है कि उस केस में जो y की वैल्यू है वो क्या हो। तो पहले सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे 30 को, उसके जस्ट सामने ये पॉइंट, ये 80 और 90 के बीच में आएगा। आप इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे कि जोन सी भी लाइन पे कट होगा, ठीक है, 80 और 90 के बीच में जोन सी भी लाइन पर ये वैल्यू आएगी, आपका वो पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा 86, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया कि जो 30 पर वैल्यू है हमारी कितनी है, 86 डिग्री। तो यहाँ पे राइट करेंगे इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा, 86 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में है इफ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर 95 डिग्री है देन उस केस में हमें सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। फ़ारेनहाइट मतलब वाई पर वैल्यू 95 वैल्यू इस पॉइंट पर होगी, ठीक है, 90 और 100 के एग्जैक्ट बीच में 95। अब 95 यहाँ से है तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जब वो इस लाइन पर कट कर गई, जैसे लाइन पर कट की अब इसको नीचे x एक्सिस की पर हम लेकर आएंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पर इसको जहाँ पर भी ये मीट करेगी, तो जो ये पॉइंट आएगा वो 30 और 40 के बीच में आएगा, तो मतलब 35 पर ये आपकी वैल्यू आएगी कि जो हमारा अगर 95 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आएगा वो कितना है, सॉरी 95 फ़ारेनहाइट पर जो सेल्सियस है वो कितना आ रहा है हमारा, 35। यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी सेल्सियस की वो कितनी हो जाएगी, 35 डिग्री। देखो इसमें हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है पॉइंट्स की, बट जब आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना वो इजीली आपको दिख जाएगा कि क्योंकि जो भी लाइन आएगी हमने सिर्फ वो काउंट करना है कि वो 30 और 40 के बीच में कौन सी लाइन है, तो आपका 5th लाइन पर ही आएगा। इसी तरह से अब आप नेक्स्ट में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर सी की वैल्यू 0 है तो उस केस में F की वैल्यू आपको निकालनी है। अब C की वैल्यू 0, C की 0 और F की वैल्यू, मतलब ऐसा पॉइंट लेना है कि X एक्सिस तो 0 है और Y की वैल्यू, मतलब उस केस में जो हमारा पॉइंट है कहाँ लाई करना चाहिए, Y एक्सिस पर, और Y एक्सिस पर हमारा पॉइंट कौन सा लाई कर रहा था, 32। तो अगर C की वैल्यू 0 तो F की वैल्यू कितनी है, 32। एक चीज़ और इसमें पूछी हुई है कि अगर टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब अगर फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो उस केस में सेल्सियस कितना होगा, मतलब अब वो पॉइंट बताना है कि जब ग्राफ हमारा सेल्सियस पर कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस पर, ठीक है, जब जैसे सेल्सियस की अगर 0 है तो ग्राफ फ़ारेनहाइट पर, मतलब वाई एक्सिस पर हमारा ग्राफ कट करेगा, और अगर फ़ारेनहाइट मतलब y की वैल्यू 0 है तो ग्राफ कहाँ कट करेगा, x एक्सिस पर। तो ये देखना है, देखो अब जैसे लाइन थी हमने इसको ड्रॉ की, ये इस पॉइंट पर आकर x एक्सिस पर कट कर रही है, तो इस पॉइंट पर x एक्सिस पर कट कर रही है, दैट मीन्स इस केस में जो फ़ारेनहाइट वाला पॉइंट है वो क्या होगा, 0, मतलब y वाला पॉइंट 0, बिकॉज ऑन x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये पॉइंट बताना है, 10 और माइनस का 10 और माइनस 20 के बिल्कुल बीच में नहीं है, थोड़ा सा आप उसमें से चेक करोगे तो उनके बीच में कहीं है बट एग्जैक्टली बीच में नहीं है, तो आप इजीली उसमें से देख लोगे कि कौन सी लाइन पे, इसमें ये 17 और 18 जो लाइन है उसके बीच में आएगा,
तो आप इसमें माइनस का 18 बी से राइट कर सकते हो, तो आप चेक कर लेना कि क्या वैल्यू आएगी। अप्रोक्सीमेट 17 पॉइंट कुछ आएगा और 18 के नियर अबाउट होगा, तो आप अप्रोक्स माइनस 18 बी से राइट कर लोगे, ठीक है। तो एफ की वैल्यू 0, तो सेल्सियस की वैल्यू जो आएगी माइनस का 18 डिग्री अप्रोक्स, सी की वैल्यू आएगी माइनस का 18 डिग्री अप्रोक्स, 17 और 18 के बीच में आपकी वैल्यू आएगी, तो हम जो नियर अबाउट जिसकी होगी 18 के नियर अबाउट होगी, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट माइनस 18 राइट कर दिया। लास्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, इस टेम्परेचर न्यूमेरिकली इक्वल इन बोथ फैनेट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। मतलब ये बताना है कि क्या किसी भी मतलब ग्राफ में देख के कि किसी भी वैल्यू पर फैनेट की वैल्यू और जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो दोनों इक्वल है या नहीं। अब यह देखो जब ये माइनस 40 और 40 पे आप ज्वाइन करोगे, ये दोनों पे सेम मीन्स अगर आप x की वैल्यू माइनस 40 लोगे तो उस केस में y की वैल्यू भी माइनस 40 पर ही वो आपको मीट करेगा। ये पॉइंट है हमारा माइनस का 40 और x की माइनस 40, इस पॉइंट पर दोनों वैल्यूज न्यूमेरिकली मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, x भी माइनस 40 और y भी माइनस 40, तो इसमें क्या हो जाएगा, यस टेम्परेचर न्यूमेरिकली इक्वल इन बोथ, यस टेम्परेचर इज न्यूमेरिकली इक्वल इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, दोनों में इक्वल है। अगर उसने बोला है तो कितना है, वो कितना है माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस भी और फारेनहाइट भी, तो माइनस का 40 डिग्री। टेम्परेचर दोनों इक्वल है और जो न्यूमेरिकली इक्वली टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 40 डिग्री।